हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके डिफेंस के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए और मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज बना रहा हूँ जो आपके डिफेंस के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है कि विच इंडियन एथलीट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पहली बार कोई इंडियन एथलीट जो है वो लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इसके लिए नॉमिनेट की गई हैं। तो इनका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जो है इनको नॉमिनेट किया गया है प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये जो है यहाँ पे नॉमिनेट की गई है साथ साथ में यूएस के जो टूर चैम्पियन विनर हैं टाइगर वुड्स, ठीक है, वो भी साथ में यहाँ पे नॉमिनेट की गई हैं। तो जो विनेश फोगाट हैं इनका कंपटीशन जो है किस किस के साथ होगा, तो इनका कंपटीशन चलेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो टाइगर वुड्स हैं इनके साथ होगा, कैनेडा के जो मार्क मैकमॉरिस हैं इनके साथ है, अमेरिका के जो अल्फाइन स्काई रेसर हैं, ठीक है, और लाइंसे वॉन, और जापान की जो फिगर स्केटर हैं युजुरु मान्यू, ठीक है, इन सभी के साथ, और भी काफ़ी हमारे पास ये एथलीट है जिनके साथ इनका मेनली कंपटीशन है। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा 18 फरवरी 2019 को। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी एथलीट हैं जिनको पहली बार, यानी कि इंडिया से कोई पहली एथलीट जो है वो नॉमिनेट की गई लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। सेकंड हमारे पास न्यूज़ है कि इंडियन नेवल एयर स्टेशन शिपुर विल बी कमीशन्ड इनटू विच इंडियन नेवल वेसल। तो जो इंडियन नेवल एयर स्टेशन है शिपुर, ये किस में कमीशन किया गया है, किस इंडियन नेवल वेसल में कमीशन किया गया है, ये किया गया है INS कोहासा। ठीक है, INS कोहासा जो है इसमें इंडियन नेवल एयर स्टेशन शिवपुर को ऐड कर दिया गया है, कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, कब, 24 जनवरी 2019 जो है, ठीक है, 24 जनवरी 2019 को ये जो है ये फाइनल हो जाएगा। और इसमें जो हमारे एडमायरल हैं नेवल के, नेवी स्टाफ के, तो एडमायरल सुनील लांबा जो हैं ये इसे इनॉग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये जो है ये ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो अंडमान एंड निकोबार कमांड में जो है ये इन्हांस की जाएगी इसकी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है, और हाँ यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बताएंगे, क्योंकि अगर आप अभी, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है CDS और FCAT का एग्ज़ाम, तो CDS का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है और FCAT का भी नज़दीक ही आ रहा है, तो करंट अफेयर लगभग लगभग 1 मंथ पहले तक के पूछे जाते हैं। तो अब तो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर सीरीज़ जो है हमें स्टॉप करनी चाहिए अभी। इसमें हम थोड़े से पुराने करंट अफेयर तो ऐड कर देंगे जो दिसंबर तक के कवर हो जाएं, लेकिन आई थिंक डेली वाले जो हैं अब हमें कंप्लीट फिनिश करने चाहिए। तो आप मुझे अपना सुझाव जरूर दें कि क्या हमें यहाँ पे करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड द CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के न्यू CEO जो हैं ये कौन बने हैं। तो जो न्यू ICC CEO बने हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, ये हैं मनु सावने। ठीक है, मनु सावने जो हैं ये बन गए हैं न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICC। अभी ये जो है फिलहाल फरवरी 2019 में ICC को ज्वाइन करेंगे और ये अपना चार्ज जो है वो जुलाई से लेंगे। ठीक है, जुलाई तक, क्योंकि अभी जो डेविड रिचर्डसन हैं ये स्टेप डाउन करेंगे अपनी पोजीशन से 2019 का जो ICC मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, इसके बाद देन जो है मनु सावने जो हैं ये अपना चार्ज ले लेंगे। तो वैसे ये बन चुके हैं CEO मनु सावने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हु हैज़ वॉन द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो जो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किसने जीत लिया, ये जीता है रॉजर फेडरर ने। ठीक है, रॉजर फेडरर बन गए हैं सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले इस अवार्ड को। और द लॉरियस वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स अवार्ड है ये एक एनुअल अवार्ड है, अवार्ड सेरेमनी है जिसमें जो ऑनर इंडिविजुअल को दिया जाता है और टीम को भी दिया जाता है। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स है ये, ठीक है, और इसमें जो है स्पोर्टिंग अचीवमेंट जो है थ्रू आउट द ईयर इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्विस के जो टेनिस प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, इनको 6 बार ये अवार्ड दिया जा चुका है और ये सबसे ज़्यादा बार इस अवार्ड को जीतने वाले पर्सन बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY अचीव्ड विच माइलस्टोन ऑन जैन 14, 2019। तो जनवरी 14, 2019 को
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है वो क्या, कौन सा माइलस्टोन जो है अचीव कर गई? तो ये कर गई है 1 करोड़ बेनिफिशरीज का जो माइलस्टोन है वो यहाँ पर अचीव हो चुका है, 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर हेल्प मिल चुकी है, ठीक है, 14 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इन विच सिटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नेशनल सिनेमा जो है, नेशनल म्यूजियम जो है इंडियन सिनेमा के लिए, कौन सी सिटी में इनॉग्रेट करेंगे? तो ये है मुंबई, ठीक है, मुंबई में। और इन्होंने 19 जनवरी 2019 को ये इनॉग्रेट कर दिया है, मतलब आज ही ये इसे इनॉग्रेट करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी सिनेमा है, इंडियन सिनेमा है, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक स्टोरी टेलिंग में, ठीक है, स्टोरी टेलिंग मोड में इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि विजुअल्स, ग्राफिक्स, आर्टिफैक्ट्स और इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स एंड मल्टीमीडिया एक्सपोजिशंस, काफ़ी चीज़ें यूज़ करके इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। 140 करोड़ के बजट के साथ इसे बनाया गया है, ठीक है, और 19 जनवरी 2019 को इसे इनोग्रेट किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये भी। और इसमें दो, एक तरह से दो बिल्डिंग्स हैं इसकी, एक में जो न्यू म्यूजियम होगा और एक में 19th सेंचुरी का जो हिस्टोरिक प्लेस होगा, गुलशन महल, वो होगा। तो इस तरह से इसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ IIT हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ फुल फ्लेज्ड BTech कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन सी फिलहाल ब्रांच है IIT की जिसने अनाउंस किया है फुल फ्लेज्ड BTech कोर्स के इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो BTech कोर्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये करवा रहा है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोट बनाने में भी काम आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए एक कंप्लीट बैचलर्स डिग्री, ठीक है। और ये इंडिया में तो फर्स्ट ही इस तरह की बन रही है, जो डिग्री के लिए जो अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट ही इस तरह का इंस्टीट्यूट बन रहा है, और वर्ल्ड में ये 3rd नंबर पे है, ठीक है, तीसरा बनाया जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारे डेली के करंट अफेयर। अब हम थोड़े से पुराने करंट अफेयर देख लेते हैं। तो आज हम करेंगे सितंबर के करंट अफेयर, सितंबर का पार्ट 1 है आज। और फर्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि वेयर वाज द 6th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड ऑन अगस्त 30-31, 2018। तो जो 6th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग है, ये हुई सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में 30 और 31 2018 को, अगस्त 2018 को। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच कंट्री लीड्स द ग्रोथ इन इंटरनेशनल टूरिज्म इन साउथ एशियन रीजन एज पर UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2017 रिपोर्ट। तो इंडिया जो है, इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ किया है इंटरनेशनल टूरिज्म में, ठीक है, इन साउथ एशियन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान बलूचिस्तान हाई कोर्ट ऑन 2 सितंबर 2018। तो 2 सितंबर 2018 को फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चुनी गई हैं, जस्टिस ताहिरा सफदार, ठीक है, जस्टिस ताहिरा सफदार। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन द बुक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 सितंबर 2018। तो जो ये बुक है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, ये जो बुक है ये लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, ये लिखी किसने? तो ये लिखी है वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है, वेंकैया नायडू जो हमारे हैं, ठीक है, इन्होंने ये लिखी है। तो होप सो कि ये भी आपको क्लियर होगा। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, हाँ, वेंकैया नायडू, अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ तो वेंकैया नायडू कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड कोकोनट डे जो है ये 2 सितंबर को हर पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट 18th इंडियन एडिशन ऑफ एशिया गेम्स 2018 हेल्ड इन इंडोनेशिया फ्रॉम 18 अगस्त टू 2 सितंबर 2018? तो 69 मेडल जो है वो जीत लिए हैं इंडिया ने 18th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज इंडियाज फ्लैग बीरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2018 हेल्ड इन इंडोनेशिया फ्रॉम 18 अगस्त टू 2 सितंबर 2018? तो जो एशियन गेम्स हुई इसमें इंडिया की तरफ से फ्लैग बीरर कौन थे? रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू सेटल क्लेम अंडर द पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत?
तो 1 सितंबर 2018 को जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत है, इसमें ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेट कौन सी बन गई है जिसने सेटल किया है एक क्लेम, ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्लेम जो है वो सेटल करना होता है तभी इसमें बेनिफिट मिलता है, तो क्लेम सेटल करने वाली पहली स्टेट कौन बनी है? हरियाणा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME अप्रूव टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द आर्टिसंस बाई व्हाट परसेंट ऑन 5 सितंबर 2018? तो वेजेस जो हैं ये 36% से इंक्रीज की जाएंगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है। एंड लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है कि नेम द इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द इंडियन एंड कजाकिस्तान आर्मी फ्रॉम 10 to 23 सितंबर 2018 इन ओटार रीजन कजाकिस्तान। तो ये देखिए जो इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज हेल्ड हुई, ये हुई काजिंद में, ठीक है, काजिंद में हेल्ड हुई, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये थे हमारे डेली के कुछ करंट अफेयर, होप्स हो कि आपको ये काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि करंट अफेयर सेशन जो है, क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट जो है वो आपके अभी तो इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएंगे जो CDS और FCAT होगा, इसके आगे के अगर हम करते हैं तो इसे हम स्टॉप कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 10-10 क्वेश्चन वाली सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा जैसे भी आपको लगेगा। बाकी अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पर डेली PDF फाइल अपलोड हो जाती है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड जय हिंद।